हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेलेक्शन डेस्क से पाता हूँ सक्सेस। मैं राहुल शर्मा, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सेलेक्शन डेस्क में। तो दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आई, आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता चल गया है ऑलरेडी। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में उसमें ऑलरेडी वीडियो आ चुकी, तो मैंने सोचा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी भी नहीं पता इसके रिगार्ड, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ जिससे उन लोगों को भी थोड़ा इस बारे में पता चल जाए कि भाई क्या रिजल्ट, क्या अपडेट आई है। और दोस्तों, ये मतलब थोड़ी खुशी की भी बात है और थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी है सब लोगों के, जिसके हम इंतजार कर रहे थे, जो एग्ज़ाम पहले होना चाहिए था वो एग्ज़ाम ऑलरेडी लेट कर दिया। यानी कि पहले जेई का हम सोच रहे हैं, मगर जेई का ना लेके पहले एलडीसी का एग्ज़ाम ले रहे हैं। और उसमें भी जैसे इन्होंने एग्ज़ाम डेट डाली है, और उस एग्ज़ाम डेट में भी क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूँगा कि भाई पॉसिबिलिटी है कि नहीं एग्ज़ाम हो सकता है, एग्ज़ाम डेट कैंसिल हो गया, जो भी है। तो सीधा हम चलते हैं आप लोगों के साथ जो अपडेट है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जितने भी ग्रुप में कर सकें, जैसे सभी लोगों को पता है। तो हम सीधा चलते हैं, आप देख सकते हो राकेश सर ने ऑलरेडी मुझे अभी ये भेजा है, आप देख सकते हो प्रॉपर पीडीएफ है, तो आप यहां से आप अच्छे से देख सकोगे इसमें जो भी अपडेट आई होगी। तो आप देख सकते हो यहां सीधा लिखा है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम यानी कि RRVPNL यानी कि प्रसारण वाले की तरफ से आया हुआ है। यहां देख सकते हो एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड इन स्टेट पावर कंपनी ऑफ राजस्थान, यानी कि जो एलटीसी की वैकेंसी है जो जूनियर असिस्टेंट की होने वाली है उसका उन्होंने पूरा शेड्यूल डाले हो। तो ये और ओवरऑल शेड्यूल आप यहाँ से, अगर मैं डेट बताऊँ तो 15 सितंबर यानी कि आप मान सकते हो ये आज का ही डेट है। उसके बाद इसमें आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 ये 4 दिन एग्जाम लेने वाले हैं और 2 शिफ्ट होंगे मॉर्निंग और इवनिंग। यहाँ देख सकते हो पोस्ट नेम जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट यानी कि एक तरह से एलटीसी की बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। इसमें जो एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला वो होना है 22 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को 2 शिफ्ट, 23 अक्टूबर को 2 शिफ्ट, 24 अक्टूबर को 2 शिफ्ट, 25 अक्टूबर को 2 शिफ्ट। यानी कि आपकी ये चीज़ क्लियर हो चुकी है एक एग्जाम डेट का। मैं ऑलरेडी आपको जैसे पहले बता भी रहा था, जैसे ही आपका जो MTS का एग्जाम जैसे ही फिनिश होगा उसके कुछ ही टाइम जो भी स्लॉट इनको मिलेगा उसमें 100% ये एग्जाम करवा दें। अगर ये 25 अक्टूबर को अगर ये एग्जाम कैंसिल खत्म होता है इनके अकॉर्डिंग, तो आप मान सकते हो लगभग ये JEE का अगर मैं एग्जाम बोलूँ तो हो सकता है 99% का मैं पूरा श्योर बोल सकता हूँ नवंबर से पहले एग्जाम जो बाकी का ये स्लॉट बच रहा है 25 तारीख से 30 तारीख तक या 1 तारीख उसमें ये JEE का एग्जाम करवा देंगे। और जैसे इन्होंने 4 डेट दी हैं तो हो सकता है JEE के लिए अगर 2 दिन भी इनको लग सकते हैं, 2 दिन इनको कम से कम चाहिए क्योंकि JEE में भी फॉर्म अच्छे खासे हैं और सारे सेंटर इनको राजस्थान में ही देनी है, तो आप समझ सकते हो ना। तो उम्मीद करते हैं कम से कम जैसे शिफ्ट हो, कम से कम दिनों, तो नॉर्मलाइजेशन वाला जो चलता है फर्जीवाड़ा वो ना हो स्टूडेंट के साथ में। तो ओवरऑल शेड्यूल तो मैंने आप लोगों को बता दूं। अब ये जो प्रॉब्लम आ रही वो आ रही है एग्जाम डेट की भाई, क्योंकि मैं अगर रियल बोलूं तो या तो ये एग्जाम कैंसिल होगा या एक और एग्जाम कैंसिल। अब दूसरा एग्जाम का अगर कैसे बोल रहा हूँ मैं, किसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि भाई दूसरा एग्जाम कैंसिल हो सकता है, तो आप सीधा आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो पटवारी एग्जाम डेट, तो आप देख सकते हो वैकेंसी 4,500 के समय से अभी कुछ वैकेंसी बढ़ा दी। इनकी तरफ से जो एग्जाम डेट है वो 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर। अब आप सभी जानते हो कि इसमें 23-24 अक्टूबर इसमें दे रखी है, और जो हमने LDC का जो एग्ज़ाम देखा था उसमें भी सेम यही डेट है, यानी कि 23-24 अक्टूबर इनके अकॉर्डिंग भी यही है। अब यहाँ जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ भी आप देख सकते हो 23-24 अक्टूबर इनके भी बीच में अभी एग्ज़ाम है, आपको पता है बीच में क्लैश हो रहे हैं दो, और सेम पोस्ट है, सेम मतलब एक तरह से अगर मैं बोलूँ राजस्थान की वैकेंसी है दोनों, सेम ग्रेजुएशन मांगी है, तो जो इन्होंने ये फॉर्म भरा है वही सेम उन्होंने ही फॉर्म। और मैक्सिमम स्टूडेंट अगर राजस्थान का ही अगर कोई एग्जाम होता है और उसमें डेट अगर क्लैश होती है तो 1% एग्जाम कैंसिल होता है। अब वेट ये करना है कि LDC का एग्जाम कैंसिल होगा या पटवारी का। तो अगर मैं बोलूँ LDC का, तो बहुत कम चांस है LDC का एग्जाम कैंसिल होगा, 100, 1 क्या 1000 कितने भी परसेंट आप श्योर ले लो पटवारी का एग्जाम कैंसिल ही होगा, क्योंकि RMSSB और ये समझ सकते हो ना, बैंक उम्मीद कर सकता हूँ अब इससे ज़्यादा डिले नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने 4 दिन का डेट दे दिया है। तो पूरा चांस जहाँ तक मुझे लग रहा है पटवारी का एग्ज़ाम वापस फिर कैंसिल होगा, फिर ये 5-6 महीने 10-20-15 साल जो भी इनको मिलेगा टाइम उस टाइम ये वापस फिर डेट देंगे। तो वो राजस्थान की परंपरा है, आप समझ सकते हो जीते जी एग्ज़ाम लेते नहीं, मरने के बाद ही एग्ज़ाम देते हैं स्टूडेंट। तो चलो वो छोड़ो, अलग मैटर है। तो ओवरऑल आप थिंक, चलो मैं मान सकता हूँ ये आपके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। तो ऑलरेडी आपको एग्जाम डेट का पता चल गया, और पॉसिबिलिटी भी है कि एग्ज़ाम एक कैंसिल होगा, और जहाँ तक मुझे लग रहा है जो पटवारी का एग्ज़ाम है वही कैंसिल होगा, क्योंकि इसमें इन्होंने ऑलरेडी, अब जैसे स्टूडेंट बोला अरे सर ये ऑनलाइन है वो ऑफलाइन है क्या ये वो क्या पागल हो गए हो, ये भाई बात ये नहीं, बात ये ना राजस्थान के एग्ज़ाम है, भले IBPS ले रहा है मगर है तो RSEB बोर्ड का। अब ये करवाएंगे भी तो लोग जीने नहीं देंगे ना, राजस्थान अपने भारत आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक, जहाँ भारत मतलब आप आतंकवादी होके भारत में जिंदा रह सकते हो, तो फिर समझ सकते हो ना ये तो फिर एक स्टूडेंट वाला मैटर है, तो स्टूडेंट इतनी जल्दी इसको होने भी नहीं देंगे एग्ज़ाम को। तो आप मान के चलिए कोई ना कोई एग्ज़ाम श्योर कैंसिल होगा, जहाँ तक पूरी पॉसिबिलिटी है पटवारी का एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो चलो ये ओवरऑल मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाई, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, और
अब आप लोगों को थोड़ा अपने कान भी खड़े कर लेने चाहिए, आपका माइंड भी थोड़ा वापस अब स्टेबल कर लो कि अब आपको कुछ ही दिन में अगर मैं बोलूँ तो आपके जल्द से जल्द जो हमारे जेई का एग्ज़ाम है उसकी भी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। अब वो इतनी जल्दी आप मान सकते हो 15 से 17 सितंबर के समथिंग, इतना वही इन्होंने एग्जैक्ट जैसे एक महीने के समथिंग, अब आप देख रहे हो ना जैसे 22 तारीख से है तो इन्होंने एग्जैक्ट एक महीने पहले से भी कुछ दिन पहले यानी 30 से 40 दिन पहले के बीच में इन्होंने दे दिया, तो सेम उसी के अकॉर्डिंग उसमें होगा। यानी कि अगर 9 अक्टूबर को एग्ज़ाम होता है तो आप मान सकते हो 15 या 17 सितंबर के समथिंग ये एग्ज़ाम डेट, सितंबर के समथिंग जैसे अगर मैं बोलूँ तो एग्जाम डेट दे देंगे। तो वेट करते हैं जल्दी जल्द से जल्द कोई ना कोई इसका रिगार्ड कोई अपडेट आ ही जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मैं वापस बोल रहा हूँ कि आपका लास्ट अक्टूबर और नेक्स्ट नवंबर फर्स्ट वीक में 101% श्योर है क्योंकि इनके पास यही स्लॉट अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ यही स्लॉट। इसके बाद अगर ये एग्जाम नहीं हुआ तो फिर ये 2022, 23, 24, 25 जब भी होगा वो पता नहीं, बाकी ये पूरा पॉसिबिलिटी इसी टाइम पर एग्जाम हो जाएगा। तो आई थिंक ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और जैसे ही कोई ना कोई अपडेट आएगी हम आप लोगों को जल्द से प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, और अच्छे से वापस आप प्रिपरेशन में लग जाइए आप।